ग्राउंड मीडिया की टीम मौजूद है आज जेजेपी के कार्यालय पे, जहां हमारे साथ मौजूद है जो जेजेपी के विधायक बनने जा रहे हैं, टिकट मिली है उनको जेजेपी की, और यहां उन्होंने एक हवन यज्ञ करके आज ऑफिस का मुहूर्त किया है। ताऊ जी, क्या कार्यक्रम था आज? ग्राउंड मीडिया में सबसे पहले ग्राउंड मीडिया चैनल का अपनी तरफ से और हमारे समस्त पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा विधिवत रूप से पार्टी जननायक जनता पार्टी की तरफ से चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, और आज हमें हलके के पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में, यहाँ उनकी हाजिरी में एक हवन यज्ञ करके चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। तो जैसा कि आज हवन यज्ञ करके कार्यालय का आपने शुभारंभ किया है, क्या भगवान से प्रार्थना की आज आपने? मैंने भगवान से अपने लिए भी और पार्टी के लिए भी, मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि मेरी जननायक जनता पार्टी के सभी योद्धा आज मोर्चे पर एक युद्ध जीतने के लिए चुनावी युद्ध जीतने के लिए भारी संख्या में मैदान में कूद पड़े हैं, और मेरा विश्वास है कि हमारी हलके की पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथी और हलके के बुजुर्ग नौजवान साथी एक इस चुनाव के लिए दिन रात मेहनत करके गांव-गांव जाकर घर-घर हरे जाकर हरेक मतदाता को एक चुनाव चिन्ह चाबी का निशान समझाकर पार्टी के प्रत्याशी को बहुत भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। अभी यहाँ कुछ लोग कह रहे थे कि हवन यह गए दुष्यंत की भी आहुति या किसी ने डाली है, और उसने आहुति डालते ये कहा था कि मैं हवन यज्ञ में आहुति डालकर प्रार्थना करता हूँ हवन यज्ञ महाराज से कि दुष्यंत इस बार CM बने हरियाणा के, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी जब भी जननायक जनता पार्टी की स्थापना हुई है, हमारी स्वीपीद्यों हलके की सारी जनता उसी दिन से भगवान से प्रार्थना करती है कि आने वाले समय में अजीज दुष्यंत चौटाला इस हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बन के इस हरियाणा की जनता का भलाई का, विकास का, समृद्धि का, एक भाईचारे का संदेश लेकर इस हरियाणा की जनता के लिए कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ 17 नंबर वरिष्ठ नेता JJP के, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, हवन यज्ञ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? पत्रकार जी, सर्वप्रथम तो आपके चैनल को बधाई दूंगा। आज हमने यज्ञ देवता के समक्ष बैठकर सभी कार्यकर्ताओं ने हवन देवता के सामने बैठकर प्रार्थना की। हमारे आदरणीय भाई दानंद कुंडे जी सभी दो विधानसभा क्षेत्र के विधायक हों, और दुष्यंत चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ताऊ जी, आज हवन यज्ञ के माध्यम हवन यज्ञ के माध्यम से सफेदो वासियों से क्या निवेदन करना चाहेंगे पूरे हल्का वासियों से? मेरी सपीदों हलके की जनता और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता कर्मठ कार्यकर्ताओं से मैं अपील करता हूं कि इस चुनावी दंगल में कूदकर पार्टी के प्रत्याशी को बहुत भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। मैं इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं और धन्यवाद करता हूं। क्या कहना चाहेंगे? हम जो है पार्टी के साथ संगठित कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी के प्रत्याशी को 100% जीता करके इन्हें विधानसभा में भेजेंगे और दुष्यंत चौटाला की ताकत बना करके भेजेंगे। हमें पूर्ण विश्वास भरोसा है कि यहाँ हमारे एक बहन जी बैठे, उनसे पूछे बहन जी, आज हवन यज्ञ किया है, चुनावी रण सज चुका है सफेदों का, क्या सफेदा वासी हल्कों वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि भाई ये नहीं देखना भी हमने भाई कितना टाइम बाकी है कि इसको वो वोट देना, हमने दानंद कुंडू जी को भारी मतों से विजय बनाना है और जननायक जनता पार्टी को हरियाणा में भाई दुष्यंत को हमने CM बनाना है। एक बहन जी और हमारे साथ, इस बहन जी से पूछे बहन जी, आज हवन यज्ञ हुआ है, क्या जिला प्रधान है जसपा पार्टी के, क्या नाम है? उर्मिला मलिक। इनसे बात है, क्या संदेश देना चाहेंगे आज सफेदों वासियों को? आज हम ये आज यहाँ पर ऑफिस में हवन किया है, और हम अपने प्रत्याशी दयानंद कुंडो को
भारी मतों से जिताएंगे और हम महिलाएं प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम आज 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 के युवा बूढ़े महिलाएं सभी अपने हरियाणा में दुष्यंत को सीएम देखना चाहती हैं। जी बड़े बड़े दिग्गज हैं सभी तो विधानसभा चुनाव से मैदान में, दयानंद कुंडू कहाँ देखते हैं, अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं इन दिग्गजों के बीच में? अच्छा जी, ये हाई कमांड का फैसला, हाई कमांड जिसको भी टिकट देगी ने हम उसको जिताने का काम करेंगे। बहन जी क्या कहना चाहेंगे? आम तो भाई सीधी बात है, हम जिताना चाहो आप पूरे वोटा तय अपूर तन मन तय अपूरा जोर ला रहे हैं है? और पूरे पुरुष में जीतेंगे है? इस भाई को सुन लो ऐसा जी, जो कल इनके कुंडुओं के गांव इकट्ठे हुए हैं दयानंद कुंडू के लिए, और उन्होंने सभी अपने 36 बिरादरी के गांव के लोग इकट्ठे होकर उन्होंने समर्थन कर दिया। आज उनका इन ऑफिस का उद्घाटन किया, उन्होंने मुहूर्त किया है और जोर शोर से सभी बिरादरी दयानंद को दुष्यंत समझ के वोट का मतदान करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगी हरियाणा में जो है दुष्यंत चौटाला की एक तरफा लहर चल रही है और चौधरी दयानंद कुंडू को सफेदों से भारी मतों से विजय बनाएंगे। तो यहाँ देखा आपने आज जेजेपी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, हमारे साथ मौजूद है युवा अनिल मौजूद है, इनके वैसे आज मुहूर्त किया है हवन यज्ञ देवता आपके कार्यालय पे आपने जो मुहूर्त किया, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे स्वीदो वासियों? हमारे शास्त्रों में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले शुभ मुहूर्त किया जाता है, उसी परंपरा के तहत आज हमने अपनी सभी दो शाखा का पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया है, उसके लिए हमने सब मुहूर्त किया है ताकि पिता परमेश्वर सभी दोवासियों से आज क्या अपील करना चाहेंगे? सभी दोवासियों से तो यही इलेक्शन है, सभी दोवासी गांव गांव जाकर हमारी जो पार्टी है पार्टी के प्रत्याशी हैं चौधरी दयानंद कुंडू जी हैं उनके समर्थन में वोट की अपील करें, लोगों को दुष्यंत चौटाला जी की नीतियों के बारे में अवगत कराएं कि दुष्यंत चौटाला की ने जो हरियाणा के लिए जो हमारा मैनिफेस्टो तैयार किया है उसका प्रचार प्रसार करें और हर घर तक जन कल्याणकारी जो नीतियां भाई दुष्यंत चौटाला जी ने जो एक शपथ पत्र एक संकल्प पत्र तैयार किया है उसका प्रचार करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी दो हल्के से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय चौधरी दयानंद कुंडू जी भारी मतों से जीतने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू। और ब्रजेंद्र जी यहीं से बात करेंगे, सर आज मुहूर्त हुआ जेजेपी के दफ्तर का यहाँ जींद रोड पर कॉलेज के सामने, तो क्या संदेश सफेदों वासियों को आज देना चाहेंगे, आप क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो मेरे सभी को राम राम, और आज कोई भी शुभ काम करते हैं हमारे एक रीति रिवाज, हम परम पिता परमात्मा का नाम लेकर शुभ काम करते हैं। आज सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की है कि वे जेपी के कैंडिडेट को भारी मतों से जितवाए। तो ये थे हमारे साथ विजेंद्र सरदा जी, उन्होंने हमारे से विस्तार से बात की और यहाँ देख सकते हैं आप युवा हैं पीली हरी पगड़ी बांधे हुए, इनसे बात करेंगे। भाई आज जेजेपी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तो आप सब एक युवा होने के नाते पार्टी को लेके सफेदों हल्का के वासियों क्या संदेश देना चाहें, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील यही करना चाहूँगा दयानंद कुंडू जैसा नेता नहीं मिलना, और अब की बार दयानंद कुंडू को MLA बनाकर भारी बहुत मतों से विजय बनाकर अपने एक युवा होने के नाते ये अपील करें। हाँ, युवा से यही कहना चाहूँगा, जन जन की आवाज़ है दयानंद कुंडू, सबका प्यारा है, सबका देखा वाला बहुत प्यारा नेता है। बहुत बढ़िया, तो हमारे साथ मौजूद है कि यहाँ से किसी जो बीजेपी के युवा नेता है उनसे बात करेंगे। आज हवन यज्ञ के माध्यम हुआ है यहाँ पे का जेजेपी कार्यालय का मुहूर्त हुआ है, क्या सफेदों वासियों से अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी सफेदों वासियों से एक अपील करना चाहेंगे कि आप युवा वर्ग युवा नेता सभी से अपील है कि आप युवा के साथ चलो, युवा के मार्गदर्शन पे, और आपको ये दुष्यंत चौटाला अगली सरकार बनाने जा रहे हैं और सभी हम आप जेजेपी के युवा नेता है, क्या क्या लगता है विधानसभा चुनाव में जेजेपी को कहाँ देखते हैं? इस विधानसभा में पूर्ण बहुमत से जेजेपी अपनी सरकार बना रही है और हमारे मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला होंगे, और यहाँ से विधायक हम चौधरी दयानंद कुंडू जी को भारी मतों से जिताकर बेचेंगे। एक युवा हमारे साथ और मुझे इनसे बात करें, क्या कहना चाहेंगे आज जेजेपी पार्टी को लेकर? जेजेपी पार्टी को लेकर कहना चाहूँगा कि हम भारी मतों से चौधरी दयानंद कुंडू जी को विजय बनाएंगे और हरियाणा का मुख्यमंत्री भावी दुष्यंत चौटाला जी को बनाएंगे। तो अब तो आपने देखा यहाँ आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन के दौरान जितने भी यहाँ सारे एक और युवा हमारे साथ मौजूद हैं उनसे क्या क्या जेजेपी पार्टी का विधानसभा सफेदों हल्के से कहाँ देखते हैं?
जेजेपी पार्टी विधानसभा सभी दो हल्के में सबसे पहले नंबर पे आएगी और भाई दयानंद कुंडू को भारी मतों से विजय बनाएंगे, इसलिए अवनीय करवाएगा यहाँ पर। तो यही कोई युवा है हमारे साथ, इनसे ही बात करेंगे। जेजेपी पार्टी को स्पीडो विधानसभा में क्या कहाँ देखते हैं, चुनाव में कैसी स्थिति रहने, क्या प्रत्याशी जो दयानंद कुंडू है किस तरह से उनके चुनावी जो रण है विधानसभा का क्या स्थिति रहने वाली है? पहले सभी हल्कावासियों को मेरी तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय नमस्कार राम राम। देखो जो फिलहाल कर माहौल चल रहा है ना जेजेपी का, वो बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, क्योंकि थोड़ा टिकट मिल लेट मिलने की वजह से आज कार्यालय का वो कार्यालय मुहूर्त है, मुहूर्त हुआ है आज। क्या संदेश देना चाहेंगे जेजेपी पार्टी को लेकर सभी वासियों को? जेजेपी पार्टी की तरफ से जो है चौधरी देवीलाल जी के सिद्धांतों पर चलते हुए, चौधरी दुष्यंत चौटाला जी उनके सिद्धांतों पर चलते हुए आज चौधरी दयानंद कुंडू जी जो है उनके झंडे को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि सफेदो हल्का वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? सफेदा हल्का वासियों से मैं सभी आदरणीय बुजुर्गों से, माताओं बहनों से और युवा साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि 21 अक्टूबर को जो है बड़ी से बड़ी संख्या में पहुँच पर चाबी पर मोहर लगा के चौधरी दुष्यंत चौटाला और चौधरी दयानंद कुंडू जी को भारी मतों से विजय बनाए। हमारे साथ मौजूद है जेजेपी के जिला अध्यक्ष कृष्ण राठी जी। कृष्ण राठी जी, आज आपके जो प्रत्याशी हैं दयानंद कुंडू जी, उन्होंने हवन यज्ञ करके यहाँ मुहूर्त किया है सफेदो दफ्तर का, तो आज हवन यज्ञ जो किया और मुहूर्त किया है, इस मौके पर आप आज जेजेपी पार्टी को लेके दयानंद कुंडू जो प्रत्याशी हैं उनको लेके सफेदो हल्का वासी को जो बहुत सीट हॉट सीट मानी जा रही है बड़े बड़े दिग्गज मैदान में, हल्का वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे एक जिला अध्यक्ष होने के नाते जेजेपी पार्टी के? सबसे पहले तो मैं ग्राउंड मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा, और दूसरा ये है आज हमने विधि विधि रूप से जो है ना ऑफिस का उद्घाटन किया है, और कल से हमारे गांव के दौरे हैं और सफेदों से हम जो है ना भारी मतों से दयानंद जी को जिताने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। अब ये देख सको बीजेपी का कितना विरोध है और कांग्रेस तो कहीं पर है ही नहीं, आज जो लोगों को दिखाई दे रहा है दुष्यंत दिखाई दे रहा है, और दयानंद जी दुष्यंत के नुमाइंदे हैं और 36 जात का जो है ना मतलब जो है ना कैंडिडेट हैं। आपने देखा होगा बीजेपी ने भाईचारा खराब करने का काम किया और कांग्रेस ने भी भाईचारा खराब करने का काम किया। भाईचारे का प्रतीक है दुष्यंत जी, और उन्होंने देखो रोजगार बच्चों को बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए 75% जो है ना प्राइवेट नौकरियों में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात की, 75% जो हरियाणा का कोटा होगा, 75% हरियाणा कोटा होगा, जो आज देखो 80 JEE लगे थे उसमें से 2 हरियाणा के लगे हैं, 78 के लगे हैं, इसका मतलब नौकरी भी बाहर चली गई। और चाहे मास्टर हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे छात्राएं हो, चाहे छात्र हो, सब आंदोलन बैठे हैं, सब किसी को नहीं बख्शे। अभी कितने वीडियो देखो अगेन बीजेपी इन्होंने मतलब सड़कों पे कितनी बुरी तरह से इनकी पिटाई की है, 80 हत्याएं करवाई है इन्होंने, और जो है ना आरक्षण की आग में जो है ना इन्होंने झोंक दिया है और भाईचारा पढ़ने का काम किया है। तो दुष्यंत भाईचारे का प्रतीक है, और हम यहाँ सफेदों से भारी मतों से जिता के विधानसभा में दयानंद जी को भेजने का काम करेंगे, और MP साहब को दुष्यंत जी को जो है ना वहाँ पे CM बनाने का काम करेंगे। सफेदो हल्का वासियों को क्या संदेश देना था, क्या अपील करना चाहेंगे आज? मैं संदेश सफेदो वासियों को कहना चाहूँगा, अगर हमारे दयानंद जी बहुत ही साफ छवि के और बहुत ही मतलब जो है ना समझदार कैंडिडेट हैं, इसको जो है ना यहाँ से मतलब भारी मतों से जिताने का काम करें, क्योंकि कांग्रेस से लोग उब चुके थे पहले, कांग्रेस तो वैसे ही खराब है और बीजेपी ने लोगों को इतना परेशान किया। आप देखो मोटरसाइकिल चलाना हो चाहे गाड़ियाँ चलाओ, लोगों का गरीब लोगों का निकलना दूभर हो रहा है। तो MP साहब दुष्यंत जी के साथ लग के और जो है ना JJP को जिताने का काम करें, और यहाँ सभी दोस्त दयानंद जी को जिताने का काम करें। राठी साहब, एक आखिरी सवाल, JJP पार्टी को लेके, जननायक जनता पार्टी को लेके जो विधानसभा का चुनाव अब पूरे हरियाणा में होने जा रहा है, बड़े बड़ी पार्टियाँ भी हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, कहाँ जननायक जनता पार्टी की स्थिति कहाँ देखते हैं? नहीं, जननायक जनता पार्टी के मुकाबले में कोई है ही नहीं। अब देखो कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, और हमारे नेताजी है ना पूरे दलबल से जो है ना चुनाव लड़ने लग रहे हैं। एक नंबर पे जो है ना हरियाणा में JJP पार्टी आएगी, तो कहने का जीत निश्चित है, जीत निश्चित है। हमारा 46 का मुद्दा था, 46 प्लस का वो हम अचीव कर लेंगे। तो ये थे हमारे साथ कृष्ण राठी जिला प्रधान, जिन्होंने दावा किया है JJP की सरकार बनने का हरियाणा में इस बार, और बने रही है ग्राउंड मीडिया के साथ। हम ग्राउंड मीडिया से मैं, हाँ ये रह गया भाई, एक ये साथी रह गया भाई, क्या कहना चाहेंगे भाई? भाई मैं तो ये सारे युवा भाइयों को एक ही बात एक ही संदेश देना चाहता हूँ, भाई अपना सफेदो हल्के से अपना दयानंद कुंडू को वोट दें और भारी मतों से जितवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ देखा आपने दयानंद कुंडू के जो बीजेपी के और सॉरी JJP के कार्यालय से जो
यहाँ एक हवन यज्ञ मुहूर्त करके मुहूर्त किया और हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश सचिव श्रीनव सिंगला जी। सिंगला जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका ग्राउंड मीटिंग में स्वागत है। बहुत बहुत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिंगला जी आज हवन यज्ञ हुआ है दयानंद कुंडू के ऑफिस में जेजेपी पार्टी के, क्या आज संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे सफीदो हल्का वासियों को? परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद लेके आज हमने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया, चुनाव कार्यालय का जी। और मेरा तो पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार से जनता में रुझान है चौधरी दुष्यंत चौटाला जी के प्रति, जननायक जनता पार्टी के प्रति, हम ये सीट जो है सफीदों विधानसभा की बहुत भारी मतों के साथ जीतने जा रहे हैं। और मेरा तो लोगों से जो सफीदों हल्के की जो प्रबुद्ध जनता है उस जनता से एक निवेदन है कि आपने जो है कांग्रेस का राज भी देखा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज जो है किस प्रकार भेदभाव का राज था, और आज मनोहर लाल खट्टर का राज भी देख लिया किस प्रकार से इस देश में अपराध अपरी फलादी प्रदेश में कैसे रोज लूट मार डकैती हो रही हैं। दुष्यंत चौटाला एक नया उभरता हुआ सितारा है, 36 बिरादरी का नेता है। दुष्यंत चौटाला के प्रति आस्था जता के दयानंद कुंडू को वोट दे के उसको विधानसभा में भेजने का काम करें। हम 36 बिरादरी के हक और हकूक के लिए पूरा जोर लगाएंगे और सफीदों हल्का जो 1966 से ही पिछड़ा हुआ हल्का है उसको, इस हल्के को जो है जो शुरू से बने हुआ हल्का है, ये जब हरियाणा अलग हुआ इस हल्के में आज तक कोई तरक्की विकास नहीं हुआ, इसको 5 साल हमें दें, हम इस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदल के दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए। तो आपने देखा यहाँ जो जेजेपी पार्टी के प्रत्याशी हैं दयानंद कुंडू, उनके कार्यालय से हमने आपको दिखाया यहाँ क्या आज कार्यक्रम था और किस तरह की गतिविधि, किस तरह के यहाँ माहौल बना हुआ था। ग्राउंड मीडिया कैसे बने रहे, ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कुमार अपने कैमरामैन से होगी इंतजार आलम के साथ। ओम अग्नि नारायण अभ्याम नमो नमः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं दयाचि आचमनीयं जलं समर्पयामि यज्ञ नारायण अभ्याम नमो नमः श्री ब्रह्मणे नमो नमः। थोड़ा और लिया रहे कितना राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।